नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं हेल्दी वर्ल्ड। दोस्तों, आपको लगता है कि आपके शरीर के जितने भी अंग हैं उनका इस्तेमाल आप जानते हैं, मगर आपके शरीर के कई अंग ऐसे हैं जो आपके शरीर में किस लिए है आपको आज तक किसी ने नहीं बताया। अपने हाथों से आप कोई भी काम कर सकते हैं, आप अपने पैरों से चल सकते हैं, लेकिन आपने कभी सोचा है कि आपके आँखों के कोने का जो हिस्सा होता है वो किस काम का है? तो आइए जानते हैं। आपकी आँखों की पुतलियाँ धूल मिट्टी से आँखों को बचाती है। और आपने कभी सोचा है कि आईब्रोज किस लिए होती है? आईब्रोज बारिश का पानी आँखों में ना जाए इसलिए होती है। आपकी आँखों पर जो पानी ऊपर से आता है वो आईब्रो की वजह से आँखों में ना जाते हुए साइड से निकल जाता है। पसीना भी इसी तरह साइड से निकल जाता है। पसीने में जो नमक होता है वो आपकी आँखों के लिए बहुत ही हानिकारक होता है, इसीलिए आपकी आँखों के ऊपर आईब्रो होती है। सबका मानना है कि आपके कानों का ट्रैगस किसी काम का नहीं है, पर ये बात बिल्कुल भी गलत है। ये भाग आपको आवाज़ कहाँ से आ रही है ये जानने में कानों की मदद करता है। ये ट्रैगस आपके कान के पर्दे और आवाज़ के बीच में आता है, इसी कारण वो आवाज़ आपके कानों में तेजी से घुसती है। आगे से आने वाली आवाज़ इससे होकर गुजरती है और पीछे से आने वाली आवाज़ सीधे कान में चली जाती है। अगर आपके कान में ट्रैगस नहीं होता तो आप कभी समझ ही नहीं पाते कि आवाज़ पीछे से आ रही है या आगे से। दोस्तों, इसलिए आपके कानों में ट्रैगस होता है। आपके दोनों आँखों के बीच में जो जगह होती है उसे ग्लबेला कहते हैं। ये जगह बहुत ही काम की चीज़ है। इसके इस्तेमाल से आप जान सकते हैं कि आपका शरीर हाइड्रेटेड है या नहीं। ये हिस्सा आपके शरीर में पानी की कमी को जानने के लिए होता है। इसे पिंच करके देखिए, अगर ये हिस्सा पहले जैसे हो जाता है तो आपका शरीर हाइड्रेटेड है। अगर ऐसा नहीं होता है तो आपके त्वचा में या शरीर में पानी की कमी है। जापान में इस हिस्से को देखने के बाद ज्योतिष भविष्य बता विकास सेमिलोनरीज आपके आँखों के अंदर नाक की तरफ कोने में होती है। आपके इसके बारे में कभी सोचा नहीं होगा। बहुत से लोगों को ये हिस्सा फालतू लगता है, लेकिन यह आपके शरीर का सबसे ज़रूरी अंग है। जब आप सुबह उठते हैं तो आपको आँखों में पीली गंदगी दिखती है। दिन भर जो गंदगी आपके आँखों में जाती है वो यहाँ से रात को सोते समय बाहर निकल जाती है। इसे आप देखते ही आँखें धोते हैं। ये गंदगी आँखों से निकलना बहुत ही ज़रूरी होता है। धूला आपके मुँह में जबान के ऊपर गले की तरफ लटकती चीज़ को कहते हैं। आप इसके बारे में कभी सोचते भी नहीं है। यह आपके शरीर के अंदर के काम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। यह आपके अंदरूनी शरीर को किसी भी बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से बचाता है। ये बैक्टीरिया को अंदर जाने से रोकता है। जब आपको गले की खराश होती है तो ये बड़ा हो जाता है, पर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब कोई बड़ा सा बैक्टीरिया इससे भिड़ता है तो यह उससे लड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ता। दोस्तों, ऐसी ज़रूरी जानकारी जानते रहने के लिए हमें सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। पसंद नहीं आया तो कोई बात नहीं, लेकिन ये ज़रूरी बात अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट के ज़रिए भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद।